कुरुक्षेत्र तो भैया अपना क्रॉस हो चुका था, अभी ये ना अंबाला आने को आ गया है। अभी मैंने टोल पार किया है, उसके बाद ना एक रोड आया है यहाँ पर। यही तो बुरा है नाइट में गुरु, गाड़ी मैंने यहाँ पर रोकी है क्योंकि मेरे को काफी दिक्कत हो रही है शीशे की वजह से। अभी थोड़ा मामला थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से अभी भी ना काफी 350 किलोमीटर है। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। यार आज की हमारी जर्नी है ना वो है धर्मशाला के लिए, जो कि यहाँ से आगरा से ना कुछ 700 किलोमीटर है, जिसमें लग रहा है कुछ 14 घंटे के आसपास। और अभी टाइम पता है कितने, 11:30 बज गए हैं यार। मैं काफ़ी लेट हूँ आज, पता है क्या, सुबह मुझे 6 बजे निकलना था, प्लान किया था मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा सुबह से मन ही नहीं कर रहा जाने कहीं पर यार। सुबह 6 बजे में उठ भी गया था, अलार्म बजा, बंद किया और मूड कुछ चेंज हुआ, सो गया। अभी 5-6, 5.5 घंटे मैं लेट कर लिया। हाँ तू निकल जा देवता जा। अब बात ये नहीं है कि मैं लेट हो गया हूँ, अब बात ये है कि मैं लेट हो गया तो उसकी वजह से मैं लेट पहुँचूंगा, रात हो जाएगी मेरे को वहाँ पे। यानी कि अभी 11:30 बज रहा है तो मेरे को वहाँ पहुँचना है कुछ 1:30 बजेगा, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो यार एक काम करते हैं, ऐसा निकलते हैं पहले, और जहाँ पर भी अपन को लगेगा कि अपन को लेट हो रहा है फिर हम वहाँ पर लेंगे स्टे, रात में कहीं पर भी स्टे ले लेंगे और सुबह अपनी ड्राइव को स्टार्ट करेंगे अपनी धर्मशाला के लिए। अगर रात में ड्राइविंग करेंगे तो या फिर पहाड़ों की ड्राइविंग का मज़ा कैसे लेंगे जो कि हमें दिन में आता है। तो भाई नाके में रेडी हो गया और पता है क्या, 2 बजने आ गए यार मेरे को, 11:30 बजे से 2.5 घंटा फिर भी लग गया। एक्चुअली एक काम आ गया था तो वो निपटाया मैंने पहले, उसके बाद फ्री हुआ। अभी गेट ओपन, एक नई चीज हुई, मेरी गाड़ी अभी गेट लगा हुआ सेकंड गियर, आगे गाड़ी जा रही है और मेरे बैक कैमरे का कैमरा ऑन है इसके अंदर, बहुत बढ़िया भैया। तो भाई देखो अब यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन है वो कुछ 700 किलोमीटर है, जिसमें दिखा रहा है 13 घंटे, ठीक है। अभी मैं निकल गया हूँ यार यहाँ से, और एक निकलते ना एक कांड हो गया मेरे साथ में, दिखाऊं क्या। ये देखो आप, इसका ये डैग है ना ये बंद हो गया है, ब्लू हो गया है पूरा, पता नहीं कुछ भी काम नहीं कर रहा है इस समय इसके अंदर। मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो ये बंद भी नहीं हो रहा है, कुछ भी इसमें फंक्शन नहीं हो रहा है, और सिर्फ एक आवाज़ आ रही है जो डैग की रेडियो की आवाज़ नहीं आती है, सर सर की सी वो साउंड कर रहा है मुझे। तो भाई निकलते एक तो ये दिक्कत हो गई। कुछ 3200 रुपये का अपने गाड़ी तेल आया था, गाड़ी के टायर प्रेशर चेक करा लेते हैं एक बार। कहाँ है भैया? Next to rock like Mick Foley, it's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly. On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted, about my bread like a hoagie. This beat ice cold, look how I ride the Zamboni. I feel like Otani, good anywhere you throw me. She eat a Chobani, cause her body getting bony. Late night, heavy scrolling, vape light, heavy smoking. We got our healthy habits, we've been already growing. It's like we drowning in them, it seems the levee's broken. But it's not too late to change them, and refrain from being slaves to the vices that encage them. अपने गाने हो गए चालू, भैया बढ़िया काम कर रहा है, अब चालू हो गया अपने यहाँ पे, इसका मन कर रहा है बंद होने का जो चालू होने का। यार अभी मैं नोएडा आ गया, अभी शाम हो गई काफ़ी, ठीक है। एक चीज़ दिख रही है पूरा धुंध ज़्यादा हो रही है, पूरा फॉगी फॉगी टाइप सा हो रखा है। अभी पता नहीं आगे कितना हो सकता है फॉग बिले आगे चल करके, लेकिन यहीं से ग्रेटर नोएडा से जो मेरे को हल्का फॉग दिख रहा है। इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई, लाइन से गाड़ी चल रही है, कहीं से भी आपको ओवरटेक करने के लिए जगह नहीं मिल रही है यहाँ पे, देख रहे हो आप। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी महबूबा महबूबा
तो भाई ऐसा है कि अभी गाड़ी मैंने रोकी है यहाँ पर और ये टोल आ गया था यहाँ पर, तो टोल पे रुकाऊँ अभी मैं। कितने बज गए यार? 6:30 बजने आ गए इस समय और मैं कुछ 2 बजे का 2:30 बजे का निकला हुआ हूँ मैं ना। थोड़ी बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से भी ना बागपत आने वाला है, जो कि यहाँ से कुछ अभी 5 किलोमीटर और इस टोल से, ये टोल प्लाजा है यहाँ पर भाई। इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, कितना डरावना था। रात में वहाँ से मैं आया ना, उस टाइम में अंधेरा था, तो बहुत ही यार डरावना सा ऐसा जो है इसका स्ट्रक्चर है। ऐसा है कि उस एक्सप्रेस उतर गया अभी मैं और अभी ये अपना आ गया है पानीपत वाला हाईवे और भैया ट्रैफिक यहाँ पे बढ़ जाएगा अच्छा खासा। अभी एक बार गाड़ी को अपने जो है मिड रेंज में ले लें, अभी कट लगा के नीचे उतरा हूँ ना अभी मैं, तो धीरे धीरे करके अपनी लाइन में आ रहा हूँ। अब मैं आ गया प्रॉपर अपनी लाइन में, ठीक है अब चलेंगे। आप देखो यहाँ से स्टार्ट होंगे, देखो बॉलीवुड ढाबा, अब तरह तरह के यहाँ पे, अब यहाँ पे तरीके तरीके के ढाबे स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। और आलीशान आलीशान भाई साहब, मज़ेदार मज़ेदार। काफ़ी लंबे समय के बाद अब मैं इस हाईवे पर आ रहा हूँ। यार एक बात होता है ना कि टोल पे आपके साथ ऐसा होता है कि आप जिस लाइन में होते हो वही लाइन रुक जाती है। पहले वाली लाइन बहुत तेज चल रही थी, मैं उस साइड से यहाँ पर आ गया, ठीक है अब ये लाइन बंद हो गई है, अब वो लाइन चालू हो गई है। पता नहीं मेरा लकी ख़राब है, चक्कर क्या है समझ नहीं आती मेरे को यार। चलो ये भी आगे बढ़ाएं गाड़ी अपनी। भाई 7 बज गए, 7:30 बजने आ गए हैं और अभी मैंने ना पानीपत क्रॉस किया है और अभी यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है ना मेरे को, वो दिखा रहा है कुछ अभी भी यार 381 किलोमीटर, जिसमें अभी भी दिखा रहा है 8 घंटे और 3 बजे का टाइम है कुछ पहुँचने का यार। तो जो भी हो अभी तो जितना चल सकता हो उतना चल रहा हूँ। अभी आगे का मुझे इसका एक्चुअली पता नहीं है कि कहाँ पर जा कर के मेरे को कौन सी जगह पे रुकना है, तो रोड तो रास्ते में जो भी मेरे को मिलेगा ना कुछ ठीक ठाक सा, मैं मैक्सिमम सोच रहा हूँ 10 बजे तक लास्ट गाड़ी ड्राइव करने की। सुबह 6 बजे उठ गया, कौन सी मेरे को आफत लगी थी, मैं उठ के नहीं आया, नहीं पहुँच जाता मैं, जो टोल आ गया भैया टोल दे दे के परेशान हो चुका हूँ मैं, इतने टोल तो रोड पर हैं। जब ढाबे अच्छे अच्छे थे पीछे तब भाई को भूख लग रही थी, ठीक है और पानीपत निकालने के बाद जब ढाबे आना बंद हो गए मेरे को बहुत ही भूख लग रही है, ऐसे ओले पड़वाता हूँ अपने ऊपर ना जब कभी कभी मैं। चलो भैया एक ढाबा मिला है, ये अपना चमन हवेली, तो यहाँ पे अपना कुछ खाना पीना खा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। भाई कहाँ चचे, कहाँ लगानी है, कहाँ चचे ऑयल लगा दे। ओके ओके भाई, गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी है, बढ़िया हाईवे चल रहा है और अभी ना खाना खाने यहाँ पे रुक गया हूँ अभी मैं, और वो दाल चावल रोटी सब्जी मंगा ली अपने लिए यार, वही खाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो यार एक कप चाय और हो जाए। तो भैया खाना हो गया, चाय हो गई, अब बढ़ते हैं आगे, निकलते हैं अपने सफर को चढ़ते हैं जारी। तो चलो फिर भाई, चमन नहीं था ये, चन्न हवेली था यार ये। अब बढ़ते हैं भैया आगे। तो देखो भैया ये अंबाला कैंट यहाँ से दिखा रहा है 66 अमृतसर 321 लुधियाना 183। तो चलो भैया अपने आ गए हम हाईवे पर, डन है भैया। रुक जा भैया रुक जा, निकाल लंदे हमें भी। तो भाई साहब चलते चलते सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते अभी मैं पहुंच गया करनाल में, एंट्री हो चुकी है मेरी और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है यहाँ पर। तो यार यहाँ पर तो लाइट भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है यहाँ पर। तो यार एक चीज़ तो है, ये हाईवे ना एक नंबर है भाई, बस थोड़ा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाई है इसमें भाई। वो करनाल नहीं, करनाल तो निकल चुका था, मैं कुरुक्षेत्र में आ गया हूँ उस समय यार, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। चंडीगढ़ यहाँ से 101 है और लुधियाना 161 है। कुरुक्षेत्र तो भैया अपना क्रॉस हो चुका था, अभी ये ना अंबाला आने को आ गया है
और यहाँ से अभी भी जो अपना किलोमीटर दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा है कुछ 296, 6.5 घंटे यानी कि 4 बजेंगे मेरे को पहुँचने में अभी। तो भाई अभी ऐसा है कि अभी मैंने टोल पार किया है, उसके बाद ना एक रोड आया है यहाँ पर जो कि ये दिखा रहा है आगे से राइट, अरे इसका वही गया, राइट दिखा रहा है। इस हाईवे को मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब उसमें कन्फ्यूज इसलिए हूँ मैं कि वो पता नहीं रोड, मैं पहली बार इस पे आया हूँ तो पता नहीं है कैसा रोड है कैसा नहीं है। NH 44 पे तो चलो ठीक है, नेशनल हाईवे है, बाकी ये वाला रोड जो दिखा रहा है ना आगे से, ये भी आ गया आगे से, ये किस तरह का होगा अभी पता नहीं है यार। कहाँ के लिए जा रहा है? बनूर, बनूर के लिए कुछ जा रहा है वाला हाईवे यहाँ से। ये वाला है तो अम्बाला, तो पीछे तरफ है बनूर, ये वाला हाईवे दिखा रहा है यहाँ से। हाँ यार ये तो हाईवे वो वाला है ना आई थिंक, जिससे शिमला भी निकल सकते हैं, यहाँ से मनाली भी यहीं से जाता है, तो सारे हाईवे तो गया हूँ मैं। हाँ तो कोई इशू नहीं आया, ठीक है वाला हाईवे, इट्स ओके, चल रहे हैं इसी हाईवे पे बढ़िया। तो अभी आगे बोर्ड आया है तो मोहाली बनूर रूपनगर, ये सारे इसी हाईवे पे है आगे की तरफ। चलो भैया अब यहाँ से क्या है, सिंगल रोड चल स्टार्ट हो गया है अब, यही तो बुरा है नाइट में गुरु। अब लोड बीम कर लेते हैं अपनी, हम लोही बीम थी ऑलरेडी मेरी यार, अभी हुई है। भाई गाड़ी मैंने यहाँ पे रोकी है क्योंकि मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही है शीशे की वजह से, क्योंकि ना देखो कहीं कहीं पे ना बहुत ही ज़्यादा ना फॉग अप हो रखा है और गंदा हो रहा है, और यार कहीं कहीं पे ना स्क्रैचेस बहुत आ रहे हैं इस पे शीशे पे, जिसके सर लाइट का रिफ्लेक्शन ना बहुत ज़्यादा वाला भी आंखों पर आ रहा है। तो एक बार इसको साफ करके देख लेता हूँ, अगर ये साफ़ हो जाता है नहीं तो मुझे लग रहा है मिरर ना मेरे को चेंज कराना पड़ेगा विंड स्क्रीन की, तो एक बार पूरा क्लीन करता हूँ उसको यार। से अभी थोड़ा मामला थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो गया है भाई अभी, और यहाँ से अभी भी ना काफ़ी 350 किलोमीटर है अभी भी दिखा रहा है, 5-6 घंटे के आसपास, 6.5 घंटे के आसपास अभी भी, तो टाइम काफ़ी लगेगा। और यार सिंगल रोड होने की वजह से ना काफ़ी ना सामने से लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, विंडशील्ड पर जो मेरे स्क्रैच काफ़ी हैं, तो वो दिक्कत काफ़ी कर रहा है मेरे को। चलो थोड़ा सा रेस्ट यहाँ पर लिया था, चाय के लिए सोच रहा था यार, लेकिन चाय का यहाँ पर इतना ढंग का है नहीं कुछ यार, तो निकलना ही पड़ेगा, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मच बेटर देन बिफोर, अब काफ़ी अच्छे से मैं क्लियरली देख रहा है, लेकिन यार फॉग अप थोड़ा सा हो जाता है ना, वो थोड़ा दिक्कत करता ही है। फॉग अप तो वो दोबारा से होगा, ये ना सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखेंगे आपको, ये पढ़ लो आप, सबसे ज़्यादा पूरे हाईवे पे, एक यहाँ पे तो कुछ नहीं है, पीछे वाले हाईवे पे तो NH 44 पे तो बता आलीशान आलीशान थे। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पर ना एक होटल मैंने देख लिया है जो कि 800 रुपये का मिल रहा है मेरे को, तो यहाँ पर आज का हमारा नाइट स्टे रहेगा भाई। गाड़ी को लगा दिया, पार्क कर दिया यहाँ पे, अरे स्टेयरिंग सीधी कर देते हैं, डन है भाई। चलो भैया ऊपर चल रहे हैं और अपना आज का स्टे करते हैं, टाइम कितना हो गया, 11:04 हो रहे हैं, तो सही टाइम पे होटल मिल गया, सही टाइम पे आगे स्टे करते हैं, एडिट करते हैं, सुबह वीडियो आएगी। तो भाई ये अपना कुछ बेसिक सा रूम है, एक बेड है भैया, क्या करना है, एक मक्खी है यहाँ पे जो मेरा साथ देगी यहाँ पे, बाकी एक ये मिरर है यहाँ पर, जैसे भैया अपन जो है यहाँ बगल में सोते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे फिर। अभी कितने 11:13 हो रहे हैं, सुबह निकलते हैं फिर यहाँ से, ठीक है ना, अपने टाइम से आराम से निकलेंगे 8-9 बजे तक, ना दो करके फ्री होके, ठीक है, थोड़ा एडिटिंग कर लेते हैं। चलो फिर भाई, तो यार अपन ने ना अपना एप्पल का मैकबुक एयर भी ले लिया था, जिसकी वजह से ना मेरा काफ़ी टाइम जो है सेव हो जाता है इस मैकबुक एयर की वजह से। पहले मैं इससे पहले मैं ASUS का लैपटॉप यूज़ कर रहा था, i7 था, 12th जनरेशन S सीरीज था, उसके बावजूद जो उसकी रेंडरिंग स्पीड थी ना यार, अगर 10 GB की फाइल है ना वो रेंडर करता था कुछ 2 से 2.5 घंटे के अंदर, और ये लैपटॉप है ना वही सेम फाइल को, 10 GB फाइल को ये रेंडर करता है 10 मिनट के अंदर, तो आप अंदाज़ा लगाओ कितना टाइम सेव करता हूँ अपना मैं इसकी थ्रू, है ना। तो अभी वीडियो फटाफट से एयर ड्रॉप मारता हूँ सारी, इसको तुरंत रेंडर करता हूँ और अपलोड करके फिर सोते हैं अपना, ठीक है।
तो चलो फिर। तो यार रात के ना 2 बजने आ गए और अभी मेरी वीडियो एडिटिंग चल रही है। ये वाला व्लॉग कुछ 21 मिनट के आसपास लंबा हो रहा है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। तो थोड़ा सा टाइम और इसको फिर रेंडर मारते हैं, सोते हैं, सुबह इसको अपलोड करेंगे और देखते हैं टाइम से आ जाए अपने। तो यार इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक तो मिलना ही चाहिए यार, क्यों, क्या कहते हो आप? तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, धर्मशाला पहुँचते हैं, मैकलोडगंज घुमाता हूँ आपको मैं, और भी कई जगह चलते हैं वहाँ पर हिमाचल के अंदर। तो चलो फिर गुड नाइट, मिलते हैं कल, बाय बाय।